Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. देवगण, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आया, मैं तो अमृत प्राप्त करने आया हूँ, और स्वयं अपने लिए नहीं, अपितु अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए। इसलिए मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, क्योंकि जो भी माँ की सेवा में बाधा उत्पन्न करेगा, उसे उसका भयंकर परिणाम का सामना करना होगा। तो क्या इसके परिणाम स्वरूप महान योद्धा गरुड़देव और शक्तिशाली देवताओं के मध्य युद्ध भी हुआ? नहीं पुत्र, श्री हरि नारायण तो उनकी क्षमता से अत्यंत प्रभावित हुए और वो वहाँ प्रकट होकर गरुण देव को अपने वाहन बनने का प्रस्ताव दिया। प्रणाम प्रभु, मुझे अपना वाहन बनने का प्रस्ताव देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री हरि नारायण। मुझे तो इस दायित्व को निभाने में अत्यंत हर्ष का अनुभव होगा, किंतु अभी मुझे अपनी माता को मुक्त कराना है, जिन्होंने मेरे जन्म के लिए सहस्त्र वर्ष प्रतीक्षा की है। उन्हें उनकी दासता से मुक्त कराने हेतु मैंने माँ कद्रु को अमृत देने का वचन दिया है। जब आप स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण के वाहन बनने वाले हैं, तो हमारा आपसे युद्ध करना व्यर्थ है। इसलिए माता कद्रु तक अमृत पहुंचाने में हम आपके सहायक बनेंगे। गरुड़देव, यदि ये अमृत नागों के हाथों में पड़ा तो सृष्टि का उचित चक्र अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। आप अपने वचन अनुसार जैसे ही देवी कद्रु को अमृत प्रदान करेंगे और वो देवी विंता को मुक्त कर देंगी, मैं उसी समय उनसे पुनः अमृत प्राप्त कर लूंगा। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने साथ चलने की अनुमति आपको देनी होगी। किंतु क्या ये नागों के साथ अन्याय नहीं होगा? अमृत पाने के तो वो भी अधिकारी हैं। नागों को इससे वंचित रखकर उन्हें छलना क्या अनुचित नहीं होगा श्री हरि नारायण? यदि आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सहृदयता है, किंतु नागों को अमृत न देने का एक कारण है, क्योंकि उनमें अत्यधिक विष का वास होता है। इसलिए उन पर विश्वास करना कठिन है कि अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो सृष्टि को किस प्रकार आतंकित करेंगे। कदाचित उनके प्रभाव से न केवल मनुष्य जाति अपितु अन्य जीवों का भी विनाश होगा, सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाग अमृत पान करने के योग्य नहीं है। इसलिए संसार को व्यर्थ के संकटों से सुरक्षित रखने हेतु हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। फिर तो आपका कहना उचित है श्री हरि नारायण एवं इंद्रदेव। प्रणाम प्रभु। हृदय विनिता के पुत्र गरुड़ देव अमृत तो लेकर आए, किंतु उसके साथ छिपा लाए उस छलिए देव राजेंद्र को। जाते आप लोगों को क्यों? आपके साथ छल कर सके, कपट कर सके, इसी कारण। अब ये पूर्ण रूप से हमारे प्रभाव में आ रहे हैं, सफल हो रही हमारी योजना। शीघ्र अति शीघ्र अब हम इन समस्त नागों को माया के वशीभूत कर जड़ कर देंगे, ताकि ये नाग दुर्गम असुर के अनुष्ठान में कवच का कार्य कर सके। और फिर गरुड़ देव नाग लोक पहुंचे और नाग माता देवी कद्रु के समक्ष अमृत कलश प्रस्तुत किया और सदैव के लिए अपनी माता को उनके दास्ता से मुक्त करा दिया। आज से तुम हम नागों की दास्ता से मुक्त हो। पुत्र, और फिर जैसे ही नाग माता कद्रु अपने संतानों को अमृत प्रदान कर रही थी, ठीक उसी समय
देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। इन छलकी हुई बूंदों का जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। अमृत की बूंदों को पीने के लिए जब नाग संघर्ष करने लगे तो खड़क के समान तीक्ष्ण धार से युक्त उन घासों के कारण ही उनकी जीवा दो भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए नाग देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने दो भागों में विभक्त जीवा के लिए दोषी मानते हैं। और मुझे ज्ञात है वो दुष्ट मायासुर नागों की उसी सुप्त घृणा को जागृत करने का प्रयास करेगा। और जब किसी के मन में द्वेष की ऐसी भावना जागृत होती है तब उसका हृदय उसकी बुद्धि दोनों विषाक्त हो जाती है। और अमृत के उन कुछ बूंदों से दुर्वा धूप तो पवित्र हो गई किंतु आप सभी को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वो था मात्र आपके जीवा का विभक्त होना। अपनी मात्र भक्ति का कितना अनुचित फल प्राप्त हुआ आपको। आपकी विभक्त जीवा अमृत मंथन में आपके परिश्रम का क्या फल प्राप्त हुआ आपको। आपका विषैला शरीर और इन सब के लिए उत्तरदायी कौन है? वो दुष्ट देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम उचित ही तो कह रहा है वो असुर। देवताओं ने हमसे इतना बड़ा छल किया और फिर भी हम सदा देवताओं का ही साथ देते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमें देवताओं के विरुद्ध असुरों का साथ देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अपने विवेक को जागृत कीजिए। आज ही तो भ्रम जाल से मुक्त हुई हूँ मैं। आज ही मेरा विवेक जागृत हुआ है। उचित अनुचित का भेद कर पा रही हूँ मैं। भ्रमित तो वो असुर कर रहा है आपको और नागलोक के अन्य वासियों को। भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं और छल नाग माता के साथ नहीं अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। शेष नाग तो स्वयं ब्रह्म में है। पक पक पर छल करने वाले आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेष नाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए मायासुर के साथ जो आपको शक्ति और महानता के पद पर लेकर जाएगा।
कहाँ जा रही हैं आप? प्रिय, रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ, रुक जाओ प्रिय। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। यदि ये उस दुष्ट की कुटिल योजना है तो हम अभी जाकर नागों की रक्षा करेंगे। नहीं पुत्र, नागों की रक्षा तो एकमात्र गणेश ही कर सकता है, और ये दायित्व तो पुत्र गणेश को ही संभालना होगा। नाग पृथ्वी की मूलाधार में वास करते हैं, और मूलाधार के देवता तो तुम हो पुत्र गणेश, इसीलिए नागों की रक्षा तो तुम्हें ही करनी होगी। हमसे नागों की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जाओ जाओ और जाकर मिट्टी को अपना आहार बनाओ, और इस गुफा में बिछकर जड़ हो जाओ। जाओ, अब हम तुम सभी नागों को हमारे अर्थात माया सुर की गुफा में लेकर जाएंगे, जहां तुम सब मात्र और मात्र हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे। जय मां, जय जय तामसिक माता। निन्यानवे लाख, निन्यानवे सहस्त्र चौरानवे। अनुष्ठान की गणना अब कोठी तक पहुंचने वाली है। अब तक न कोई बांधा न विघ्न, और इस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए 94 करोड़ बार के अनुष्ठान को पूर्ण करके ही रहेगा ये दुर्गमा सर। पुत्र गणेश, जैसा कि तुम्हें भली भांति ज्ञात, प्रत्येक जीव कुंडलिनी की शक्ति होती है, जो उसकी रीढ़ के आधार पर स्थित होती, जहां मूलाधार चक्र भी स्थित। सुप्त कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में मिट्टी खाकर पड़े सुप्त जड़ सर्प के समान स्थित रहती है, किंतु जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती तब वो मूलाधार चक्र से जीव के शरीर में स्थित सर्वोच्च चक्र
सहस्त्रार चक जो उसके शीश में स्थित होता है वहाँ जाकर स्थित हो जाती और वो इस अवस्था में एक फन फैलाए नाक के समान प्रतीत होती। जागृत कुंडलिनी के परिणाम स्वरूप ज्ञानोदय से परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया मूलाधार चक्र से ही आरंभ होती है और मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले एकमात्र तुम ही हो पुत्र गणेश। मोह माया की मिट्टी से उत्पन्न सत्य के बोध से वंचित सुप्त कुंडलिनी को तुम अथवा तुम्हारा ध्यान ही जागृत कर सकता है। सुप्त कुंडलिनी शक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर फन फैलाए सर्प के समान गतिशील अवस्था में तुम ही ला सकते हो पुत्र गणेश, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। जीव का तो स्वभाव ही है जन्म धारण करते ही मोह माया में उलझ जाना। मिथ्या माया की मिट्टी को जब उसका अस्तित्व अपना आहार बनाता है तब उसका मूलाधार चक्र उसकी वास्तविक ऊर्जा जड़ हो जाती है। मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर नागों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। जिस प्रकार जीव के शरीर में मूलाधार चक्र कुंडलिनी के नीचे स्थित होता है उसी प्रकार संसार का मूलाधार नागलोक में ही स्थित। इसीलिए मूलाधार अधिपति प्रथम पूज्य गणेश तुम ही जाकर नागों को इस माया से मुक्त करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यदि दुर्गमासुर नागों को अपना कवच बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करने में सफल हो गया तो फिर उसे युद्ध में पराजित करना बहुत कठिन होगा पुत्र। मैं आपको अपनी भावी संतान को संकट में नहीं डालने दूंगा। तो फिर मुझे रोकने का प्रयास करके देख लीजिए नागलोक के अधिपति शेषनाग जी। नागलोक के राजा शेषनाग जी अब तक हमारी माया से वशीभूत नहीं हुए, किंतु हम भी देखते हैं कि कब तक शेष नाग अपने आप को हमारे माया के प्रभाव से बचा सकता है। नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश, इसीलिए जाओ और उनकी रक्षा करो। मायासुर को अवश्य रोकूंगा मैं माँ, नागों को मायासुर के जाल से मुक्त कराऊंगा मैं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझे आशीष दीजिए माँ कि मैं सफलता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाकर लौटूं। बुद्धि और बल में अतुलनीय हो तुम, प्रथम पूज्य हो, विघ्नहर्ता हो तुम पुत्र गणेश, इसीलिए अपनी सूझबूझ उस असुर के माया जाल को खंडित कर उन नागों की रक्षा करो। जाओ पुत्र। विजय भव पुत्र। अनुज गणेश जाओ, विजयी होकर लौटो। Mera mana mata.
मार्ग से। मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। सर्वथा अनुचित है आपका मार्ग देवी, उस पर आपको आगे कैसे जाने दूं? मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग की बाधा बनेंगे आप, इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। फिर आप स्थल पर स्थित हो अथवा आकाश में। समस्त नाग और उनकी नाग रानी तो हमारे मायासुर के वश में आ चुकी हैं। अब मात्र एक बार उस शेष नाग को भी हम अपने वश में कर लें, उसके पश्चात सफल हो जाएगा दुर्गमासुर का अनुष्ठान और पराजित होगी वो आदि देवी शक्ति भी। हमारी बात मानिए प्रिय। अब गणेश संसार के समक्ष अपना वो अवतार लेकर प्रकट होगा जो सज्जनों के लिए दया का सागर और दुर्जन पापियों के लिए अत्यंत कठोर और विकराल होगा। एक नवीन अवतार, एक नवीन रूप धारण करेगा गणेश। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का कार्य जब मित्रता से नहीं बनता तो फिर वो छल का सहारा लेता है ताकि वो दूसरों के मध्य फूट डालकर स्वयं की प्रभुता स्थापित कर सके।